खाओ भगवान शंकर की कसम दारू नहीं पी, भगवान शंकर की श्री राम की कसम खाकर दारू नहीं पी रखी हमने। कसम से पेंट्री वालों ने इतनी अच्छी दिवाली मनाई है ना भाई। चोरी बेच रहे हो खाना? नहीं, चोरी नहीं बेच रही। तो फिर ले आइए बिल हमने। ओ भाई साहब, पेंट्री कार के भी पीछे इन्होंने बहुत ही ज्यादा गंदे थे वहाँ, अंदर जाने लायक ही नहीं। बाकी ब्रश वगैरह कर रहे हैं, कर लेते हैं। ये कितना दिहाड़ी बना लेते हो दिन में? चल साथ में देख लेना, आजा। चलो चल, तू आगे चल, मैं पीछे आ रही। बलिया के करिंदे भागते हुए देखिए। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बिहार के छपरा से। और आज हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12670 गंगा कावेरी एक्सप्रेस में, जो कि छपरा और चेन्नई के बीच में चलती है। बाकी दोस्तों बाहर से देखिए छपरा जो रेलवे स्टेशन है कितना ज्यादा भव्य लग रहा है, यानी कि डेकोरेशन भाई देखो कितनी प्यारी हुई है। और देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी है हमारी गंगा कावेरी एक्सप्रेस, जिससे हमारी यात्रा होने वाली है भाई। तो लीजिए दोस्तों, आ चुका हूँ मैं छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और ये हमारे पीछे लगी है गंगा कावेरी एक्सप्रेस। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन वीक में 2 दिन चलती है। चलने का टाइम इसका रात को 9 बजे, ये छपरा से निकलती है। 2139 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद तीसरे दिन दोपहर को 12:10 पे आपको MGR चेन्नई सेंट्रल में पहुंचाती है। बाकी देखिए आज रामलला आए हैं, तो उसकी खुशी में ट्रेन की किस तरह से सजावट की गई है भाई। ये जो कार्यक्रम है ये पूरा का पूरा ट्रेन में मनाया जा रहा है, देखिए काफी अच्छा लगा भाई हमें ये देखकर। देखिए तो दोस्तों आज का जो हमारा सफर होने वाला है वो इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में होने वाला है। S2 हमारा कोच है और बर्थ है अपनी 55 RAC में होने वाला है भाई। काफी दिक्कत होने वाली है, एंड टू एंड हमारी RAC रहने वाली है, हमने पता कर लिया। बाकी देखिए पेंट्री कार के भी पीछे इन्होंने हमारा कोच लगा दिया, और ट्रेन देखिए रवाना भी कर चुकी है भाई। देखिए भाई, देखिए राम के नारे लग रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन निकल चुकी है। भैया जय श्री राम। और ये लगी थी हमारी अवध असम एक्सप्रेस, जिसको ओवरटेक कर दिया भाई हमारी इस ट्रेन ने, निकलते ही ओवरटेक बढ़ गया भाई। हाँ आपका भी RAC है? आ चुके हैं भाई अपनी सीट पे हम, बाकी अंकल का RAC है हमारे साथ। चेन्नई तक जाओगे अंकल भी? भाई पूरा चेन्नई तक जाएंगे। और ये हमारी कुछ ऐसी ट्रेन है, बैठ चुके हैं हम, बैग वगैरह रख देते हैं, और आज का सफर ऐसे ही कटने वाला है भाई, क्या कर सकते हैं यार। सो भाई कसम से पेंट्री वालों ने इतनी अच्छी दिवाली मनाई है ना भाई, इतनी अच्छी दिवाली, पूरी की पूरी जो ट्रेन है वही सजा दी गई है भाई फ्लावर से, डेकोरेशन से। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज राम ट्रेन में ही आएंगे भाई। क्यों क्यों भाई? भाई इतनी अच्छी, भाइयों ने लड्डू भी दिए हमें खाने के लिए, प्रसाद वगैरह भाइयों ने दिया। तो लो जी भाई, उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बिहार से हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, देखिए। और अपनी ट्रेन का पहला हॉल्ट बलिया आ चुका है भाई, देखिए। और भीड़ देखो भाई, परमात्मा इतनी सारी भीड़ भाई ट्रेन में पैक ओ पैक जाने वाली है। देखिए ये छोटे बड़े भाई सारे के सारे इसी ट्रेन, देखिए ये बलिया के करिंदे, देखिए भाई बलिया के करिंदे भागते हुए देखिए, ये सारे बलिया के करिंदे। ओ भाई साहब, आराम से भाई, ये देखिए बलिया के करिंदे, देखिए भाई बलिया के करिंदे कैसे ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं भाई। देखो मतलब पूरी की पूरी ट्रेन पैक हो चुकी है बलिया से भाई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, छपरा से लगभग 66 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी गंगा कावेरी ने कवर कर लिया, और पहुंच चुके अपने पहले हॉल्ट पे जो अपना बलिया, BUI बलिया का स्टेशन कोड। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और 2 मिनट की बिफोर ही आ गई अपनी ट्रेन यहाँ पे बलिया पे। तो आपको बलिया का इतिहास भी बता दूँ, जो हमारे देश के एक दिन के प्रधानमंत्री बने थे ना चंद्रशेखर आजाद जी, वो बलिया के ही थे। और साथ ही साथ अगर हिंदू ग्रंथों के अनुसार देखें तो जो बलिया है वो हिंदू धर्म का काफ़ी पवित्र शहर माना गया है, क्योंकि यहाँ पे महर्षि भृगु जी निवास करते थे, वही भृगु जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया था भाई। अभी हम जा रहे हैं भाई सोने के लिए, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी है और लंबी जर्नी है, तो आपको सीधा सुबह मिलेंगे जबलपुर के आसपास, हमारी आंख खुलेगी तो जबलपुर जरूर कवर करेंगे। अपना ही 10 रुपए दीजिएगा। आज में क्या हो गया? चोट लगा। कैसे? छोटा क्या बाबू बच्चा?
ये लद्दाख से आया लद्दाख से आया ये भैया। अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। गुड नाइट भाई बबुआ। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। गुड नाइट। जा रहे सोने के जय बेटी भैया अंधा का दे दो बेटी भैया एक रुपया दो रुपया अंधा का खिलाने से कमी न हो बेटी लोग भैया लोग एक रुपया अंधा का खिला दे बेटी भैया अंधा का देने से कमी न होगा बेटी भैया अंधा का खिला दे बेटी भैया देने वाले बेटी भैया चाटी चाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा दूसरा दिन है गंगा कावेरी में और आज हमारी ट्रेन भाई 3-4 घंटे तक लेट हो जाएगी। मतलब 3-3.5 घंटे तो ऑलरेडी लेट है लेकिन आधा घंटा और लेट हो जाएगी। और अभी पता है ये सतना भी नहीं पहुंची है जबकि इसका जबलपुर का टाइम था। बाकी ब्रश वगैरह कर रहे हैं कर लेते हैं। भाई अभी हमारा हो गया चाय पीने का टाइम और ये भैया देखिए मूंछों वाले कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। देखने में इन्हीं से पी रहे हैं हम चाय। सुबह सुबह की चाय चल रही है भाई। भाई देखो अंकल को हमने 500 वाला दिया लेकिन अंकल विश्वास ही नहीं कर रहे। देखिए यूपी के होके विश्वास नहीं कर रहे हैं यार। आओ आओ आप चक्कर मार के आओ हमारा बंदा उठता है तब तक। अभी चल रही है हमारी चाय सुबह की एंड भाई ने लिट्टी दे दी भाई। थैंक यू भाई गाय भाई थैंक यू। बाकी भाई लिट्टी से कुछ बना नहीं अभी हमने ले लिए चिप्स। देखिए चिप्स बड़े पैकेट में से कितने चिप्स हैं 10 रुपए की और कितने की। धमाकेदार है ना भैया। अरे एकदम भाई धमाकेदार। अपना डायलॉग बोल दो फिर। मत बुलाओ यार। बोलो भैया डायलॉग अपना बेचने वाला धमाकेदार वाला बोलो एक बार। बोलो नहीं मत बुलाओ यार प्लीज बोल दो ना भैया हम स्टेटस आ रहे बोलो। अरे शर्माइए मत भैया बोलिए बोलिए बोलिए। अरे बोलिए डायलॉग बोलिए अपना बोलिए भैया भेज बोलिए ना। जब मैं ना जानता रहूं तब बोल दिए होते तो वो बोल। एक 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 बार बोल दो बस हमारे भाई के खातिर बोल दो बस एक बार बोल दो। ऐसे निकलेगा ही नहीं। नहीं निकल जाएगा ऐसे बोलो 10 रुपए दो कैसे बना लिए होते तो बन जाता था। स्टैंडर्ड मैच ही है ना। स्टैंडर्ड ही है ना। 3 लिख लो 3। भाई बंदे को हमने 3 प्लेट ऑर्डर खाना दे दिया है। क्यों राहुल भाई दोपहर के लिए अब देखते भाई क्या कितने में लाता क्या करता है। 120 बता रहा है स्टैंडर्ड थाली का। हाँ स्टैंडर्ड थाली का 120। मैंने उसको साफ साफ बोल दिया मुझे स्टैंडर्ड चाहिए। अब देखते हैं कितने रुपए का लगाता है वो। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बढ़िया हो गया। अब लास्ट में हमने लड्डू वगैरह पैक करवाए थे ना वो भी खा लेते हैं। ये देखो ये हमने वहीं से लाए थे छपरा से ही। नाश्ता सुबह सुबह अच्छा हो गया भाई लड्डू खा लिए सुबह सुबह। आशीर्वाद दे दो इसको आशीर्वाद। तो भाई ये लिया हमने पेठा 10 रुपए का 20 रुपए का पेठा लिया है। अब देखते हैं पेठा कैसा है भाई पकड़ना एक मिनट। आ गया हमारा पेठा 20 रुपए का लिया है भाई। टाइम हो रहा है लगभग 12:45 और कल रात की 9 बजे की ट्रेन चली हुई है। अभी तक इसने 517 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है भाई और 4 घंटे और 27 मिनट की देरी के साथ पहुंच चुके अपने छठे हॉल्ट पे जो अपना मध्य प्रदेश का
सतना जंक्शन। एसटीए सतना जंक्शन का स्टेशन कोड है और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं एंड 5 मिनट का हॉल्ट है। लेट आपको बता दिया भाई कितनी लेट आई है हमारी ट्रेन सतना जंक्शन पे। बाकी अभी हम जबलपुर डिवीजन में आ चुके हैं, वेस्ट सेंट्रल हमारा जोन है और सतना जंक्शन पे लगभग 195 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है। 3 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट और 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। क्यों भाई? बाकी भाई खा रहे हैं अपने समोसे एंड भाई जाएंगे चेन्नई, है ना। कल की ट्रेन चली हुई है अभी तक भाई, मध्य प्रदेश में ही अभी ट्रेन। चलो जी भाई, 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है सतना जंक्शन से। और अगर आप रीवा जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे उतर सकते हो। और ये दिया हमारी ट्रेन ने जनता एक्सप्रेस को पास, ये हमारी सीट है। दो बंदे हैं। हाँ, कहाँ से आए आप? ये देखो नागा साधु आ गए भाई। कहाँ से आए बाबा जी? इलाहाबाद से आए। जय श्री राम तो बोल दो बाबा जी। बाबा जी ने बहुत ए साधु महात्मा, दारू पी है क्या? बाबा जी दारू पी रखी है ना आपने? बाबा जी हिंदू धर्म को बदनाम मत करो, दारू पी रखी है आपने। राम मंदिर बनाया तुम दारू पी के ऐसे, इसमें अलावा तो तार भाई दारू पी रखी है ना, सच बताना दारू पी रखी है ना? दारू पी रखते तो मालिक जी ऐसे नहीं। भाई हिंदू धर्म को बदनाम मत करो यार, नहीं, नहीं, दारू पी के क्यों चढ़े आप? पहले रुके रुके एक मिनट, बदनाम नहीं कर रहे हैं मालिक जी, चल रहे हैं कुछ, पेट नहीं रहता तो भेट नहीं रहता। कहाँ पेट से खाओ भगवान शंकर की कसम, दारू नहीं पी। भगवान शंकर की श्री राम की कसम खाकर दारू नहीं पी रखी हमने। ठीक है, शिव जी का प्रसाद भी है ना, है ना। ये अलग से लाई है ना, ये सब्जी अलग से लाई है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आला कार्ड तो नहीं किया ना, आला कार्ड तो नहीं है ना, ये आला कार्ड का होता है ना एक। हाँ आला कार्ड का तो नहीं है ना, पूरा है। अच्छा ठीक, ये अलग से ऐड हो जाता है। हाँ चलिए बिल ले आइए फिर, ठीक है बिल ले आइए। ठीक है, बिल तो नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगा? चोरी बेच रहे हो खाना? नहीं, चोरी नहीं बेचेंगे तो फिर ले आइए बिल, हमने चिपकाना है कहीं, बिल लेने तो ले लो, पैसे बिल दे देना फिर। नहीं, ठीक। सो भाई ये दिया इन्होंने हमें खाना जो कि 120 का दिया है, और मैंने इनको बोला था कि हमें चाहिए स्टैंडर्ड वेज, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हमें मतलब नॉर्मल वेज दे दिया। अब 120 रुपये बोल रहे हैं, हमने बोला कि बिल लाओ। अब देखते हैं कि बिल कितने का लाते हैं ये। खाने में देखिए ये इन्होंने दिए पराठे, केवल 3 पराठे हैं, 1 2 3 पराठे हैं। एंड ये इन्होंने अलग से दिया है पनीर, एंड इस पनीर का ये 100 रुपया लगाएंगे, मुझे ये भी पता है। ये देखिए पनीर सिर्फ पानी है भाई, देखो 1-2 पीस होगा पनीर का, बाकी पानी है भाई। ये आ गए भाई इनकी थाली, एंड ये चीज़ ना बहाने के लिए है, सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए ये चीज़। आपको सबसे पहले हम आपको पनीर इनका टेस्ट करके बता देते हैं। एक पनीर का दाना देखिए, देखिए 2 पनीर के दाने हैं, एक ही पनीर ठीक ठाक है भाई, टेस्ट है भाई पनीर, झूठ नहीं मैं बोलता भाई, टेस्ट है पनीर। एंड ये आ गए इनकी मिक्स आलू मटर की सब्जी आ गई, ये भी ठीक है भाई। ये आ गए दाल, दाल भी ठीक ठाक है भाई। तो ओवरऑल खाने की रेटिंग दूंगा इसको मैं 10 में से 8। बाकी भाई इस ट्रेन में पैंट्री तो हुई भाई, पैंट्री वाले ओवर प्राइस ले रहे हैं, लेकिन ये बाथरूम भी भाई एकदम गंदे हैं, ठीक है। बाकी ये गए थे अभी बाथरूम के अंदर, कैसे थे बाथरूम? बहुत ही ज्यादा गंदे थे, वहाँ अंदर जाने लायक ही नहीं था। कंप्लेन करनी चाहिए, ठीक है। हाँ देख लो भाई बाथरूम की क्यों सिचुएशन थी, बहुत ही खराब थी। अभी हम करेंगे कंप्लेन 139 पे। इधर आना, आपने साफ करना है या हम कंप्लेन करें? ठीक है जाइए जाइए ना, कर दे रहे हैं हम कंप्लेन। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद साफ सफाई करने के लिए। भैया क्या खराब है इसका?
इसका जो फ्लश है वो भैया कह रहे हैं खराब है, नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे अब खुश है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि कर दो कम्प्लेन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका बाथरूम में घुस गए दो लोग, ये देखो भाई बाथरूम में घुस के बचाव कर रहे हैं ना बाबा, बाथरूम में घुस गए आप। भाई बंदे ना बाथरूम में घुस गए थे, अगर टेडी सर को प्यार से बोलते ना छोड़ भी देते। देखो कितने पैसे ले गए, कितने पैसे ले गए, हाँ कितने पैसे ले गए, 200 आपसे। भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ, टेडी ने इनको पकड़ा और मुझे लगा कि इनसे फाइन ज्यादा मारेंगे, लेकिन 200 रुपए लिया और छोड़ लिया, 100 लिया है, 200 में छोड़ देते हैं, पैसा भी नहीं लिया, टिकट थोड़ी बनाता है, नहीं ऐसे ही। तो भाई ये देखो ये ज्यादा होता है इस रूट पे। भैया आप टिकट लेते हो जब भी जाते हो, क्या जरूरत है ना, 100 रुपया देना टीटी को। टिकट लिए थे यार भैया, तो भी 100 देना पड़ता है ना रिजर्वेशन पे। अच्छा अच्छा 100 दो, शांत कार्ड वाला दोगे 100 रुपए का पनीर ऐड करके आपको? हाँ वो नहीं चाहिए भाई, हमें 120 वाला चाहिए। मैनेजर आप हो, 120 वाली थाली कौन सी है भैया? 120 वाली थाली मटर पनीर खा दो। हाँ और वो 180 रुपए का थाली है। नहीं नहीं 120 वाला कौन सा है? वही है जो खाया है ना। क्या क्या उसमें, मेनू दिखाना अपना, वो काला वाला बैग में से। कहाँ 180 इसमें, 180 सब्जी दिया था ना। नहीं नहीं सर 180 वाली थाली दिखाइए ना हमें, मटर पनीर लगा करके। इसको छोड़िए आप, 180 वाली थाली, 120 वाली थाली दिखाइए भाई आपको। मटर पनीर का जो रेट है ना उसमें कम कर सर, हमने आपको थाली ऑर्डर की थी या मटर पनीर ऑर्डर किया, हमने क्या बोला था आपको? आप डायरेक्ट बोलिए स्टैंडर्ड थाली दी, हमने उनको स्टैंडर्ड बोल दिया, स्टैंडर्ड बोले। हाँ कैसे आप बोले भी थे ना आप लोग को कि 80 वाली भी? नहीं नहीं हमने हम वो कहाँ गया बंदा, हमने उसको बोला स्टैंडर्ड थाली चाहिए हमें। ठीक है 80 तक के रेट दे दीजिए यार, उनको हमने बोला स्टैंडर्ड चाहिए, उन्होंने 80 का बोला। अंकल से गलती हो गई थी ना, गलती हो गई थी बोल दो आप। ठीक है गलती हो गई थी, चलो कोई बात नहीं है, पर आगे से ध्यान रखा करो, कोशिश करा करो कि जितनी यात्री को उनको रेट टू रेट खाना मिले। पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है, ये देखो ये बिल आ गया भाई, 3 बिल आ गया 80 रुपए। हां गई थक गए, कहां जाना है बेचने वाले। गुड इवनिंग दोस्तों, बैठे बैठे शाम हो गई भाई, और अभी तक हमारी ट्रेन ने 714 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया, कल से चली थी भाई आज शाम हो गई। ये ट्रेन पहुंच चुकी है जबलपुर में, जो कि इस ट्रेन का 8वां ऑफिशियल हॉल्ट है। JBP का स्टेशन कोड है जबलपुर का, और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है भाई। जबलपुर जंक्शन पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, और पता नहीं हमारे जो इंजन लगा था इसका लोकोमोटिव और पैंटो नीचे पता नहीं क्यों किया गया था। बाकी जबलपुर जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से ब्रांच लाइन नैनपुर को जाती है और इटारसी जाती है, हमारी ट्रेन जाएगी अभी इटारसी पे, और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी थी हमारी गंगा कावेरी एक्सप्रेस। और जबलपुर में जो आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी है, उसकी जो व्हीकल्स है, उसके जो ट्रक बनते हैं, रक्षा वाहन बोलते हैं जिनको, उनकी फैक्ट्री जबलपुर में ही है, और साथ ही साथ यहाँ पे आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, देखिए हमारी ट्रेन की डीफिलिंग फिलिंग हो रही है भाई, देखो निकल चुके अपनी ट्रेन जबलपुर से, और जबलपुर से हमने लिया केला। देखिए भाई यहाँ पे पूरी आंटी ने कब्जा करके रख दिया भाई सीटों पे, देखिए, और अपनी ट्रेन अभी दोस्तों अब जो जबलपुर के आगे एक स्टेशन आएगा पिपरिया, पिपरिया भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि भाई बहुत लंबी जर्नी है, अभी कल का दिन भी पूरा का पूरा बाकी है, मैं सोच रहा हूँ एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाए पूरी जर्नी। बाकी जबलपुर को बाय बाय बोलने के बाद हम निकलेंगे अभी, अब सीधा मिलेंगे आपको इटारसी में। इटारसी में चल ले बाबू ले
वो भाई सौ ताली पटक दो सही से एक बार जल्दी दे दो यार कमाने जा रहा अच्छा कमाइए दुआ लेके जा सभी बीस बीस दो ये जीजा पाँच रुपए नहीं भाई पाँच रुपए बन गई बहुत कुछ भाई साहब टिकट बना दिया छह सौ रुपया टिकट लगा दिया दोबारा एक बार पाँच ना चलेगा ये लद्दाख से आया इसलिए कपड़ा लपेटा है गले लगा लो एक बार क्यों लगा लो गले लगा लो सजना रे गुम गई ऐसे होगा ही नहीं आपसे पैसे तो लेके जाएंगे हम हमसे पैसे लेके गई भाई ये क्या मतलब होता है ये अच्छा खाली है साला बंगाली खाली है साला बंगाली बाकी अभी छोटवा आपको खेल दिखाएगा भाई हाँ ये देखो खेल भाई ये देखो छोटू का खेल वाह वाह क्या फ्लेक्सिबिलिटी है भाई देखो क्लैपिंग करो राहुल भाई क्लैपिंग करो भाई ओ हो भाई साहब बोलो तमिल मारदे टेम्पो मीनाक्षी सुंदरेश्वरन காசிக்கு நாங்கள் அனைத்து பேரும் வந்திருக்கோம் குழுவிலிருந்து வந்திருக்கோம் ரொம்ப நன்றி ठीक है आप ही बोलो समंदर में फेंका तेरी जैसी लड़की का कॉलेज में देखा जब देखा तो हीरा चमक रहा था हो 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 टकला चमक रहा था देखिए ये जो हमारी साउथ की आंटीज वगैरह हैं इन्होंने हमें कुछ दिया खाने के लिए क्या है भाई ये सुपड़िया बोल रही है सुपड़िया राइस एकदम फीके फीके है ना भगवान जाने ये क्या है खाना खाना देखो इधर आओ आओ खाना आओ सुपड़िया इतना बेकार है मन खराब हो गया भाई इसको जो राहुल भाई मजबूरी में देना पड़ रहा है अभी बांट रहे हैं हम भाई ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन भाई बहुत बेकार है यार मैं तो समझ लो कि उल्टी जैसी हो गई थी बाकी ये सन्यासी बाबा हैं बाबा जी को जय श्री राम बाबा जी जय श्री राम बाबा जी को दे दिया हमने ये देखो खाओ पानी में खाओ था तो पानी भी लेके आते हैं राहुल भाई ने दे दिया भाई को यार पता क्या चक्कर है हमने ज्यादा पैकेट ले लिए इसलिए आपको आवाज लगा रहे थे हम जी यार बिल्कुल अच्छा लगा कैसा लगा अच्छा नंबर एक लगा हमको बनारस का प्रसाद है जरूर खाना ठीक है कैसा है ऐसे नहीं हसी बाबा कैसा है अच्छा है बढ़िया है भाई बाबा खा रहे हैं चाय भाई और कुछ खाना है पानी पिलाना देखिए एक और ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है और देखिए ये देखिए यात्रीगण क्या कर रहे हैं भाई देखिए ताड़ी बजारो அருணாசாலா काशी विश्वनाथ की अमरनाथ की केदारनाथ की बद्रीनाथ की ओमकारेश्वर हरे 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 महादेव முருகனுக்கு ஆறு மடங்கு முருகனுக்கு
तो ये जो आंटी थी हमारी अंगमाल पुनियप्पम इनका नाम था और इन्होंने हमें गाना सुनाया, बहुत अच्छा लगा भाई। तो दोस्तों अब गुड इवनिंग बोलूं या गुड नाइट बोलूं क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूं भाई। तो छपरा से लगभग 951 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया और 7 घंटे और 21 मिनट की देरी के साथ पहुंच चुकी अपने 10वें होल्ट पे जो अपना इटारसी। भाई ट्रेन ने इतना बुरा हाल कर दिया कि मैं क्या ही बताऊं भाई। और मैं लूंगा यहां से कोल्ड कॉफी क्योंकि मेरा भाई मुंह सारा का सारा मतलब छिल चुका है, कुछ गर्म चीज खाई थी मैंने। सो भाई देखिए निकल चुके अपनी ट्रेन, लगभग 5 मिनट ही रुकी होगी जबकि 10 मिनट का हॉल्ट था क्योंकि 60 घंटा लेट चली अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस। और अभी ये ट्रेन बैतूल रुकेगी जो कि इसका 11वां हॉल्ट है जो कि हम कवर नहीं करेंगे। बैतूल अपना मध्य प्रदेश में पड़ता है और सीधा आपको भी मिलते हैं महाराष्ट्र के नागपुर में अगर सही टाइम पे पहुंचा दिया तो, वरना रात हो जाएगी और हम सो जाएंगे भाई। बाकी कोल्ड कॉफ़ी ढूंढ रहा था, मिली नहीं भाई, यहाँ पूरे स्टेशन पे ढूंढ आया भाई मैं। तो दोस्तों आ चुके हम पैंट्री में एंड खाना वगैरह खाने के लिए। एंड देखिए हमारे जो स्पेशल जो थालियाँ लगाई जा रही हैं भैया द्वारा लगाई जा रही हैं, देख लो इस तरह से। बाकी भैया ने रोटी भी ला दी भाई, बाकी स्वीट भी दे दी भैया ने, देखो हेलो हेलो भैया, देखो स्वीट भी दे दी इन्होंने। और अभी आपको ट्राई करते हैं, बाकी दाल जो थोक के दी है इन्होंने, चना भी, हर चीज भाई एकदम प्रीमियम दी है इन्होंने। दबा देते हैं आपको, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ये चना, ये देखिए भाई मेरा मुंह पका हुआ है लेकिन फिर भी लाजवाब है भाई, एकदम थोक के दिया मैंने। एंड ये दाल आ गई, कसम से एक नंबर है भाई दाल। एंड ये सब्जी आ गई, यूनिक ही टेस्ट है भाई। बाकी ये देखिए सोन पापड़ी भी दी है इन्होंने, देख लिया ना पैंट्री वालों किस तरह खातिरदारी की। सुबह हमने बोला था इनको कि ओवर प्राइस मत बेचो, इसलिए भाई इन्होंने इस तरह से खा दिया। सो भाई देखिए ये है रोटी, और रोटी एकदम बढ़िया गरम गरम, अब इन्होंने बोला ये खा के और भी ले लेना। तो दोस्तों हम गए थे भाई खाना खाने के लिए और देखिए हमारे गोज में ये चोरी चोरी गाय ने कब्जा कर लिया। अब इस बंदे का नाम गाय क्यों है, वो डाला है गलगल इस बंदे, देखो भाई स्लीपिंग बैग में सो रही है। उठ जा भाई, ओ भाई उठ जा, सीट हमारा है भाई। खाना वाना हमारा हो गया, अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। बाकी भाई और बबुआ भाई और मैं सोएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको सीधा सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। तो दोस्तों एकदम से भाई मैं आंख खुली मेरी, तो मेरा शरीर था ना वो जल रहा था भाई। मैंने देखा हुआ क्या, जब देखा तो गर्मी लग गई भाई। ये देखो कपड़े उपड़े खोल के भाई देखो हाफ हाफ पहन लिया भाई, देखो क्या है क्या है। तो भाई 7 घंटे लेट ही चल रही है हमारी ट्रेन और आज हमारा तीसरा दिन है भाई गंगा कावेरी एक्सप्रेस में। बाकी वरंगल में पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन और ये हमने लिया कोल्ड कॉफी। ये कल से मैं ढूंढ रहा था भाई, कोई स्टेशन में नहीं मिल रही थी, फिलहाल वरंगल में आके मिली है। అన్నం తిన్నారా? అన్నం తినే వస్తారు అందుకే గట్టిగా ఆడతారు వాళ్ళు. జో అన్నం తిన్నారా? పైసె కాయ పైసె పైసె కాయ ఖానా భీ నీ ఖాయా భాయ్ ఉస్నే యార్ హ ఓ ఖానా భీ నీ ఖాయా తిన్నా లో రూపీస్ ఖాయ బాగున్నారా? జో ఎక్కడ బాగున్నారు? ఇక్కడ అమ్మే 100 రూపాయలు తీసింది భాయ్ ఉస్కు కోయ్ నే బోలియా మే దికా రా ఉస్కు కిత్నా పైసా లియా ఆప్సే హౌ మచ్ మనీ 100 రూపాయలు లియా तो भाई देख लो ये बेचारे इतनी हक से कमाते हैं, इनसे पैसे ले जाते हैं और यार इनकी भी गलती है क्योंकि अलाउड नहीं होता है भाई
अनऑथराइज वेंडर को चढ़ना। इधर देखो भैया कितनी अच्छी चीज बेच रहे हैं। वाह कितने का भैया? 200 का बेच रहे हैं भाई। देखिए इधर भैया अंगूर बेच रहे हैं। कितने का अंगूर? 40 में दे रहा। सो भाई सुबह सुबह अंगूर खा रहे हैं, 40 रुपए के दे दिए भाई। इतने सस्ते बता नहीं क्यों है यहाँ पे। काफी बड़ा पैकेट था। तमिलिया ये देखो। तमिलिया केरला। पानी पी ले। पानी बोतले। हाँ भाई खाने का ऑर्डर बनने का भाई। खाने का ऑर्डर। खाना खाना बिरयानी। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, समय हो रहा है लगभग 12:51, यानी कि 10 मिनट कम है भाई 1 बजने को। और हमारी जो ट्रेन है ना 7:34 की देरी के साथ पहुंच चुकी है अपने 19वें हॉल्ट पे, जो अपना विजयवाड़ा। और जो अपना विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसका स्टेशन कोड है BZA। और यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है और नाम का स्टॉप है भाई। अब नहीं भाई ये रुकेगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। विजयवाड़ा में अगर आप आते हो तो आप संतरे वगैरह हो गए, देखिए सेब वगैरह हो गए। क्या सेब का क्या भाव भैया? 100 रुपया 100 रुपया किलो सेब ले सकते हो। 100 रुपया काफ़ी महंगे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई साउथ है ये। अच्छा तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ इस ट्रेन का नाम गंगा कावेरी क्यों है, क्योंकि गंगा है जो अपनी वो नॉर्थ की नदी है, पता ही आपको बिहार वगैरह से गुजरती है। तो ये जो ट्रेन है ये दो नदियों को जोड़ती है, गंगा और कावेरी को, और कावेरी हमारी तमिलनाडु और केरला में बहती है। भाई लस्सी पीने के लिए ठंडी ठंडी देना लस्सी। फ्रूटी ये छाछ दो, छाछ 10 रुपये। चेन्नई यहाँ से 8 घंटे का रास्ता है ना। अगर आप विजयवाड़ा आते हो तो अंकल से मोर जरूर पे, मोर 10 रुपये में मोर। तो देखिए दोस्तों फाइनली 10 मिनट के होल्ड के बाद अपनी ट्रेन ने डिपार्ट कर लिया है भाई विजयवाड़ा से, देखिए। और विजयवाड़ा में हमारी ट्रेन का चार्टिंग कोटा प्रिपेयर्ड होता है भाई। तो लीजिए दोस्तों आ गई हमारी कृष्णा नदी, ये देखिए तहत सड़क है ये, इसके पार हमारी कृष्णा नदी शुरू हो जाती है गई। और ये भाई अपना ओए भाई गुटखा खा के ऐसे मत थूक यार, ये देखिए यही लोग गंदा करते हैं देश को, ऐसे मत थूक भाई, हाथ पे गिरा थूक मेरा बना पे। और ये अपनी कृष्णा नदी देखिए भाई, साउथ की काफ़ी स्वच्छ नदी कृष्णा नदी। और भाई वेलकम टू कृष्णा नदी, देखिए 1984 में बनाया गया था रेलवे द्वारा ये ब्रिज। नहीं होती भाई यहाँ, सिर्फ पानी कम होता है क्योंकि यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है भाई। देखिए अपनी कृष्णा नदी का पुल पार कर रही है अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस, देखिए अपनी कृष्णा नदी। मज़ा आ गया भाई हमें कृष्णा नदी देख के, आपको मज़ा आया कि नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताना भाई। बाकी कमेंट में जय कृष्णा माता ज़रूर लिखना भाई, ठीक है। बाय 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 बाय। तो अभी हम खाएंगे भाई सुबह का एक टाइप का लंच ही है, एक सुबह से कुछ नहीं खाया भाई। एंड ये आ गया हमारा, ये देखिए ये आ गया हमारा पनीर और रोटी। इधर अपनी ट्रेन आई और देखो यहाँ पे शाम के 5 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन ना पहुंचने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। और अभी अपनी शाम की चाय चल रही है पैंट्री स्टाइल के साथ। हाय भैया। हाय। तो भाई हालत खराब हो गई, क्यों राहुल भाई? पूरा फेस देख लो हमारा। हाँ, भाई हालत खराब हो गई है ट्रेन में बैठ बैठ के। रेलवे स्टेशन तो 8 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के डेस्टिनेशन चेन्नई सेंट्रल में। देखिए लगभग 39 घंटे की जर्नी थी और हमारी ट्रेन ने ले ली है 47 घंटे और पहुंच गए हम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, जो कि हमारी ट्रेन की डेस्टिनेशन थी भाई। एकदम हालत ख़राब हो गई और गंगा कावेरी से कभी उम्मीद नहीं थी भाई कि इतनी भाई ट्रेन लेट होगी। बाकी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, करते हैं इस ब्लॉग को यही पेंट। बाकी राहुल भाई और राहुल दोनों राहुल भाई के साथ जर्नी करके काफ़ी अच्छा लगा। चैनल का नाम राहुल बाबा की मस्ती और ब्लॉगर बबुआ, तो दोनों के दोनों भाइयों के साथ बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद जय भारत। और बोलने की उम्मीद नहीं है भाई अभी, ठीक है, बाय बाय।